सत श्री अकाल ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतेंद्र कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम ग्लोबल डिस्कशन। इस प्रोग्राम दे विच तमाम दिन भर दीआं वड्डीआं खबरां ते चर्चा की जाती है। वह खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर बार की तरह प्रोग्राम विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा चनारथल जी। सब तो पहला प्रोग्राम ग्लोबल डिस्कशन दे विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत सर प्रोग्राम तुहाडा। शुक्रिया जतेंद्र जी, सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सति श्री अकाल। दीपक जी, पंजाब दे विच जदों तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उस तो थोड़ा समा बाद चाहे आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री होण, विधायक होण या MLA होण, वह अलग अलग विवादों के घिरते नज़र आए ने। तो हुण पहला लाल चंद कटारू चक मामले दे विच एक वीडियो वायरल हुई सी, जिस तो बाद विरोधी धिरां दे वल्लों सरकार ते काफ़ी सवाल चुके गए। जदों भी अजिहे जां कोई मुद्दा आउंदा तां विरोधी पार्टियां नूं भी सरकार नूं कटहरे दे विच खड़ा करन दा मौका मिल जांदा है। तो हुण एक होर कैबिनेट मंत्री दी कहिंदे वीडियो वायरल हुई है, तो बिक्रम मजीठिया दे वल्लों ये खुलासा किया गया, किवें वेखदे हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिक्रम मजीठिया होरी दावा कर रहे हैं कि मेरे को वीडियो है तो मैं वो अजे जनतक नहीं करनी जी। मैं पहला मुख्यमंत्री साहब नूं देनी है, वह देख लैन ते एक्शन लै लैन मंत्री दे खिलाफ। जेकर अजिहा नहीं करते फिर मैं सोचूंगा कि की करना। जिदन दिवाली दे संबंध दे विच पंजाब दी बजारत मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां नूं दिवाली दीआं मुबारकां देण जांदी आ ते लगभग सारी बजारत खड़ी आ, उहदे विच स्पीकर साहब चलो नहीं हैगे पर डिप्टी स्पीकर हैगे ने, तां दो महिला बीबियां जिहड़ियां साडी कैबिनेट मंत्री ने उह नहीं हैगियां, पर जिन्ने खड़े ने उहनां दी फोटो सांझी इहनां दे अपने पेज तो, आप दे पेज तो, सरकार दे पेज तो जां लीडरां दे पेजां तो शेयर हुंदियां ने। उसे फोटो नूं टैग करके ट्वीट करदे जिहड़ा अज्ज कल एक्स बन गया, उन्हां ने बकायदा बिक्रम मजीठिया ने बधाई दित्ती ते थल्ले लिखिया कि तुहाडे इहनां अनमोल हीरियां चों इक हीरा उह हैगा जिहदी वीडियो तुसीं देख के शर्मसार हो जाओगे जां तुसीं उहदे नाल हत्थ मिलाउणो वी शर्म करोगे जी। सो मैं जल्दी खुलासा करूँगा। सो अज्ज उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस बुलाई सी, तो प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच सब नूं उम्मीद सी कि अज्ज उह ना जनतक करनगे जी, अज्ज उह वीडियो दा कोई क्लिप जनतक करनगे, पर ना तो उन्होंने वीडियो दा क्लिप कोई जनतक कीता ना कोई ना जनतक कीता, पर उन्होंने वो फोटो की कापी लैके आए सी, बकायदा वो पेन ड्राइव नूं डब्बे च पा के लियाए सी, तो उन्होंने उत्थे बैठ के मुख्यमंत्री साहब के घर फोन मिलाया, तो फोन चक्कण वाले ऑपरेटर नूं ना पुछया पंजाब के CM के घरों ही बोलते, उन्हें कहा हाँ जी CM साहब नाल गल हो सकती, कहिंदा जी मैं मिलाउना जी। वो काफ़ी देर 1.5-2 मिनट होल्ड रहा, उस तो बाद कहा जी CM साहब इत्थे नहीं। सो ये सारे कार्रवाई के दौरान उन्होंने बकायदा कहा जी कि इन हीरियां चों इक हीरा है, कटारू चक तो भी गांह वाली वीडियो है ना, कटारू चक वाला तो सर गया, ये तो सरनी होनी गई है, मैं नहीं पूरी देख सकिया है ना। सो मैं मुख्यमंत्री साहब नाल बार बार राबता करदे, वो मिलते नहीं, दसते नहीं, आ हुण थोड़े सामने भी फोन मिला लिया, मैं चाहुंदा कि वो आप एक्शन लैन है, वह कैबिनेट च रखण ना उहनूं वजीर नूं, ते इहनां अनमोल हीरियां चों इक हीरे दा मैं खुलासा जल्दी करूँगा नहीं। फिर ये सारे चीज़ ने पंजाब की समुची कैबिनेट नूं सवालां दे घेरे च लिया था। बिल्कुल। और ये सवाल बड़ा हो गया कि की वह कोई लैण देण रिश्वत का मामला, की यह भ्रष्टाचारी का मामला जां शरीरक शोषण का मामला, ये किसी औरत का जां किसी मुंडे का कटारू चक वाला ही उस जा मामला जी, की सच्चाई है, इन्हें किन्ने सवाल खड़े करते। बिल्कुल। और ये विच्चों जो मीडिया ने खरीदण की कोशिश की बिक्रम मजीठिया कि जनाब जिवें आपां कहिंदे ना बाजारत दा आता पता दस दो उवें जी, ये जी कौन हो सकता है जी, ये फोटो जो थोड़े वाले हवाले नाल जी सज्जे खड़ा खब्बे खड़ा, वो कहिंदा मैं अपने वाले पास्यों सोचा कि थोड़े वाले पास्यों। सो ऐ जी करके उन्होंने गल गोल करती। फिर जो ये सवाल आया कि जी किधर दा है, वो कहिंदे माझे च भी बहुत घूमदा है, मालवे च भी बहुत घूमदा है, थोड़े च भी बहुत घूमदा है, वो मंत्री है। फिर किसी पत्रकार ने सवाल किया जी कि पग बंद है कि नहीं, दो ही कम है जी, जी कहता मतलब यदा मतलब वो पग बनता भी नहीं बनता। सो कदे बन लैंदा जां कदे नहीं, जां पहला बनता होवे हुण ना बनता होवे। सो ये सारे मसलियां ने इत्थे लिया के सवाल खड़ा कर दिता कि भगवंत मान होरां दी कैबिनेट दे विच इहो जिहा किहड़ा हीरा है जिहड़ा कोला साबित हो जाना जदों उहदी वीडियो जनतक हुई जां उहदी पेन ड्राइव दे हवाले नाल हुई, क्योंकि है तो वीडियो ही है जिहदी उह गल कर रहे ने कि मैनूं कंप्यूटर ला के दिखाई, मैं तो थोड़ी देर भी देख नहीं हुई। सो इहदा मतलब कोई बड़ी बेशर्मी वाली करतूत है। सो उस पहलू ते जेकर तां सरकार सियाणी होवे, जेकर सरकार दा वो मंत्री समझदार होवे तां वो बकायदा सामने आ जावे, मुख्यमंत्री कोल चला जावे, अपने हाई कमांड कोल जाना उहदे कोल चला जावे, बिक्रम मजीठिया दे घरे आउणा उहदे घरे आ जावे,
कि जनाब मेरी करतूत है, मैं कबूल करना, पर आ वीडियो मैं दे दौ, जनतक ना करो जी। जो जेकर कोई सज़ा बनती है तो उसकी कार्रवाई कर लो, नहीं बनती क्योंकि जेकर सहमति वाला होगा तो उत्थे कुछ होना तो कुछ नहीं। बिल्कुल। पर एक समाजिक वर्तारा हुंदा है, एक तुहाड़ा किरदार हुंदा है, एक तुहाड़ी पहचान हुंदी है, एक तुहाड़ा रुतबा हुंदा है, वो सारिया कदरां कीमतां नूं जे तुसीं ढा लाउंदे हो तां फिर तुहाड़े कोई फर्ज बनता है कि हुण शर्मसार होके सामने आओ। सो जां तां मुख्यमंत्री साहब पुछ लैण, उन्होंने सारे अनमोल हीरियां नूं बुला के कल्ले कल्ले नूं कि जे नहीं दसदे भाई दस दो की दीए जी। जां कई वार इह हुंदा जतिंदर जी कि जदों ना जनतक नहीं हुंदा तां उह च इक डर हुंदा, और डर एक दी बजाय चार पंच भी हो सकता है कि मेरी वाली तां नहीं किते। बिल्कुल। सो जे तो इको होगा फिर तुहानू होगा, जे कई दी करतूतां होणगियां तां की विक्रम मजीठिया खेड रहे ने जी, वह चाहते हैं कि डर चो दो चार सामने आ जाए, जे कोई नहीं गा तां वी कल्ले कल्ले नूं सामने आ जाना चाहिए कि विक्रम मजीठिया सानू अपना पता है, असीं अजिहे नहीं हैगे, तू जो करना कर, आ जा असीं तेरी प्रैस कॉन्फ्रेंस बैठते हैं साडे सामने कर रिलीज। बिल्कुल। सो जे सच्चे ने तां वी सामने आउण, जे इन्हां च कोई काली भेड़ हैगी है तो उस भेड़ नूं मैं लगदा मुख्यमंत्री कोल पहुँच जाना चाहिए जी। जे हाईकमान कोल जाके सरदा तां उहदे कोल पहुँच जाण, पर इह गल अज नहीं तां कल जदों जनतक होएगी फिर जे उह वीडियो सही है जी, जे उस च कोई छेड़खानी नहीं है, मैं लगदा विक्रम जीठिया ने जाँच जरूर कराई होनी जी कि हाँ भाई इहदे विच कितें कल नूं बंटी रवाउण वाला केस ना बन जाए। उन्हें कहा भी कहिंदा मैनूं तां फिर मतलब अंदर दे देणगे, सो मैं उस गल वल भी नहीं वधणा जी। पर हुण उह कहिंदे कि इक जां दो दिन मैं इंतजार करूँगा कि जे सी एम का दफ्तर सी एम मेरे नाल राबता करन ते मैं सौंपना उन्होंने चाहना कि वह आप देख के एक्शन ले लैन। सो मैं कहिंदे जनतक करन की अजे मंशा नहीं हैगी, पर जेकर सरकार नहीं कोई एक्शन लेगी तो फिर मैं अगले पड़ाव वाल वधूंगा। अगला पड़ा कि उही खैर वाला फार्मूला कि राज्यपाल नूं जाके देनी है जां मीडिया च दिखाउणी है जां उहदा कोई लुकवां क्लिप चेहरे ही दिखाउणे आ सिर्फ जां सिर्फ उहदियां फोटोआं स्क्रीनशॉट जारी करने आ, की होगा इह सारिआं नूं इंतजार है। और तुहाडे साडे राजनीतिक धिरां विरोधी दलां नालों वध मैं लगता उन्होंने हीरिया इंतजार होगा कि किहदी वीडियो है तो किहदे बारे। बिल्कुल बिल्कुल। दीप जी इस बार पराली का मुद्दा काफ़ी चर्चा के विच है, विरोधी धिरां दे वल्लों भी सवाल उठाए गए कि सरकार दे वल्लों दावा किया गया सी कि इस बार जिहड़ी पराली है वह घट साड़ी जाएगी, हालांकि उसते कहिंदे कि दावे खोखले साबित होए, उसते उल्ट पराली वध साड़ी गई। एक पासे तां पंजाब सरकार किसानां नूं मशीनां वंड रही है पराली नूं संभालण दे वास्ते, ते दूजे पासे कहिंदे कि 140 करोड़ रुपए का घोटाला होया, केंद्र ने सबसिडी रोक दी है 11,000 मशीनां का यह मामला। एक पासे कहिंदे कि किसानां दे कोल मशीनां पहुँच गईआं, दूजे पासे किसान कहिंदे कि साडे कोल कोई भी मशीन नहीं पहुँची पराली संभालण लई। जतिंदर जी केंद्र कहिंदा कि असीं 2021-22 च ते 2022-23 च जी पंजाब नूं एक बार 1100 करोड़ की सबसिडी, फिर वो तो 140 करोड़ की सबसिडी का खुरद बुरद का मामला आ गया, तो हुण 350 करोड़ की फिर पई है सबसिडी जिहड़ी रोक ली गई है जी। मामला हैगा केंद्र वल्लों पराली संभालण लई मशीनों का, क्यों मशीनां असीं पंजाब नूं भी उपलब्ध कराइयां, हरियाणा नूं भी उपलब्ध कराइयां, क्योंकि झोने वाले खेत्र ने जिथे पराली नूं अग लगती है जी। तो वह मशीनों के 11,000 मशीन अजिहियां ने जिन्हां दे बिल तां बणे जी, पर मशीनां खेतां च नहीं उतरियां। मशीनां किसानां कोल नहीं पहुंचियां, वह मशीनां कौन खा गया, बिल नकली बना के उहदी सबसिडी कौन खा गया, यह जांच का विषय। और सबसिडी भी कोई 100, 200, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 नहीं, 140 करोड़। बिल्कुल। कि कल्ले बंदे की इन्नी कपैसिटी हैगी कि इन्ना खा गया, किने किने मिल के खाधा, पहलियां सरकारां दे पुराने अधिकारियों के मौजूदा अधिकारियों के किते किते की हिस्से आया, यह जांच का विषय। बिल्कुल। हुण केंद्र कहिंदा भाई पुराना हिसाब किताब सही नहीं गा थोड़ा, साड़ियां टीमां आ रही जांच पड़ताल करनगियां, 12 टीमां हरियाणे च उतारी हैं, 16 टीमां पंजाब च ने, 10 नवंबर तक हिसाब करके देना सी, पर कहिंदे जी हिसाब पूरा नहीं होया, अजे मामला 90% तक कंट्रोल च आ, 10% रहिंदा, तो जदों हिसाब किताब निबड़िया हो सकता 140 करोड़ तो वध जावे जी। टीमां अचानक किसी पिंड पहुँचदियाँ, उस पिंड च जांच करदियां, पुछ पड़ताल करदियाँ, तो फिर अधिकारियों हत्था पहनने की पैंदियां, फिर भजदे खेतीबाड़ी वाले अधिकारी जदों पता लगता जी इस पिंड आ गए। दूसरे पासे पता लगा पंजाब सरकार ने इहदी जांच पड़ताल लई अपने हवाले नाल विजिलेंस नूं भी हिदायत करती है कि तुसीं भी पता करो कि भाई किने कपड़ा कीता, कदों कपड़ा होया, क्योंकि ज़्यादातर इहदा मामला पिछलियां समयां दा ही है। सो इस लई 140 करोड़ का एक कपड़ा, 1100 करोड़ की तुसीं कहिंदे असीं सबसिडी दित्ती सी, 350 करोड़ की होर पई आ, इह तों बिना मशीनां का खर्चा, वो तो बाद हुण टीमां का खर्चा, यह सारा कुछ सरकार ने किया कि पराली संभालण लई। हुण जिहड़ियां जतिंदर जी 16 टीमां आईयां ने जी, ये रोटी नूं उच्ची तां कहिंदियां नहीं, ये सवेरे शाम 3 टाइम रोटी भी खांदियां होणगियां, नाश्ता
है ना, दही नाल परौंठे नाल उपर पनीर भी रखाउंदियां होणगियां, उपर वो की है टिक्की जी आउंदियां मक्खन वाली वह भी रखाउंदियां होणगियां, कोई लस्सी कोई चाह भी पींदा होगा, दुपहर में भी तीन सब्जियां मंगाउंदे होणगे, रात में भी रोटियां खांदे होणगे, हो सकता कोई रंग वाला पानी भी पीण वाले होण इहनां च। उस तों बाद फिर रहन सहन जी इन्हां टीमां दा टीए डीए आओ भगत जाओ भगत सारा खर्चा पानी जी वह भी किसी सूबे दे किसी केंद्र दे खजाने ते ही पैणा, वह लोगों का पैसा बिल्कुल, मशीनां तारियां तां पैसा सबसिडी के हवाले नाल तां आयो, एक हवाला खड़ा जी कि लो जी सस्ती मिल गई पर खर्चा हैगा, दूसरे पासे आ टीमां दा खर्चा, आ सारा कुछ करना जी, पर किसान नूं प्रति क्विंटल दे हिसाब नाल 100 रुपया नहीं देना कि पराली संभाल लवे, जे आई कुछ करना सी फिर किसान तां कहिंदे असीं संभाल लैणे आ बिल्कुल सानूं दे दिओ, प्रति क्विंटल दे हिसाब नाल 100 रुपया ही दे दिओ, ते भगवंत मान जी कहिंदे सी प्रति एकड़ दे हिसाब नाल 4-5 हज़ार दे दिओ जी, केंद्र कहिंदा ओह नहीं देना असीं, मशीनां हैगियां कारपेट कराणियां दीआं, मसला तो यह है लाहा उन्होंने बचा फायदा उन्होंने बचा, हो सकता हूँ इस भी कोई खेड हो 11 हज़ार गई कितने कागजा च बिकिया नहीं बिकिया, पंजाब की कोई कंपनी सी कि एजेंसी सी कि एजेंट सी किने लियांदे, ये बड़ा घोलमाल है जी, तो दूए पासे रोक फिर पंजाब की सबसिडी देंगे 350 करोड़ असी रोक ली जी, सो पहला साडा पेंडू विकास फंड रोकी बैठे हो, GST तुसीं समय सिर नहीं देंदे, हैं चाहे हड़ आ जाए साडे चाहे साडी फसलां बर्बाद हो जाण चाहे साडे सोका पै जाए चाहे असीं सरहदी सूबे दे वाले नाल मंगीए राहत पै जांदी बाहरों तां थोड़े दाणे मुक जांदे ने जी, सो इस लई केंद्र दा वितकरा ते दूए पासे आ कहानी, एक पासे घपला जी उहदी जांच उहदा सच जागर होणा, दूसरे पासे सवाल कि जिहड़ी तर कहिंदी असीं पराली संभालण लई तैयार हाँ सानूं दे दिओ, उहनां नूं देणा नहीं जी, ते जिहड़े चुप करके अपनी मशीनां बकवा रहे ने वह बिक जांदी, किसान कहिंदे पराली तो संभाल लेंगे मशीनां नाल बिल्कुल, पर दिहाड़ी त्रप्पा बिल्कुल, पराली चक्कण लई बंदे चाहिए, गठ्ठा बनाउण लई भी चाहिए, ट्रैक्टर भी लगना ट्रैली भी लगनी, वो सारे का खर्चा, पराली बेचनी किनू ये दस दिओ जी, सो उहदा कोई हिला वसीला नहीं, प्राइवेट कंपनियां आ रही लीडरां दीआं ट्रैक्टर कंपनियां ने वो लगी हुई ने कम उहदा दा कम चल रहा, सो इसलिए सारे वर्तारे दे विच कितना कितें एक होर कपड़ा भी उजागर हुंदा, कल्ला सबसिडी वाला कपड़ा नहीं, वह है कारपेट घराणियां नूं खजाना लटाउण दा कपड़ा, उहदे पर भी जांच होण दी लोड़ है, ये पराली संभालण दा तरीका जां पैसे एडजस्ट करन दा तरीका ये भी जांच दा विषय है बिल्कुल बिल्कुल। दीप जी एक पासे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे जिहड़े मंत्री ने विधायक ने वह नवें विवादां दे विच घिरे होए ने, ते दूजे पासे दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे जिहड़े मंत्री ते विधायक ने वह शराब घोटाले नूं लै के जेल दे विच ने, ते अधे रडार ते भी ने, पहला भी सतेंद्र जैन की जेल दे विच एक वीडियो वायरल हुई सी जिस दे विच वह मसाज करवाउंदे नज़र आउंदे ने, ते नाल ही फाइलां दा कामकार देखदे भी नज़र आउंदे ने, तां हुण होर सवालां दे घेरे विच घिर गई आम आदमी पार्टी दी सरकार, कहिंदे कि जेल दे विच कैदियां तों पैसे भी वसूले जांदे ने, इह भी मामला सामने आया। जसिंदर जी सतेंद्र जैन दिल्ली दा मंत्री रहा तो जेल च गया, जेल दी जिहड़ियां गल्लां तुसीं कर रहे हो उजागर हुईआं, तो अजकल सेहत ना ठीक होने करके जमानत ते आ, ते ओह शराब वाले कपड़े दे चौदा भी ना बजदा, तो होर मामलों भी वह घिरिया जी। इसे प्रोग्राम च आपां किन्ना समां पहलां लगभग कुछ महीने पहलां सुकेश ठग दे वल ने 2-3 बारे खबर आपां जनतक कर चुके कि सुकेश ठग अपने वकील राहीं किन्ने खुलासे करता जा रहा, उहदे उत्ते पहरेदारी उहदी नज़रसानी की उहदे उत्ते जांच अगे वधूगी कदे जी। वैसे जिहड़ा सुकेश ठग है वह आप ठगी दे मामले च अंदर है बिल्कुल, तो इसलिए कई बार ठगां दी गल्लां नूं कोई गंभीरता नाल नहीं लैंदा जी, पर वह दावा करता रहा कि कदे तां सतेंद्र जैन ते उहदे बंदे मेरे तो राज्यसभा दवाउण दे नाते पैसे लेंदे रहे, कदे मैनूं लोकसभा की टिकट दवाउण दे पैसे लेंदे रहे, आ केजरीवाल की चैट पई है जी सानूं कहिंदा सी देसी घिओ पहुँचाया वह फलानी थां ते, असीं देसी घिओ देण जांदे सी तां पता लगदा कि 10 किलो देसी घिओ दा मतलब 10 करोड़ रुपया जी, सो उन्हें यही चैट दे हवाले अदालत पक्ष रख्या, हुण उसे सुकेश ठग दे हवाले नाल है कि 10 करोड़ 11 करोड़ रुपया मेरे तो जेल दे अंदर मैनू वधिया सहूलतां वधिया रहन सहन रहन दे लई वसूलिया गया जी, ते कल्ला सुकेश ठग नहीं कहिंदे जेल दे अंदर होर पैसे वालियां धिरां तों पैसे वाले कैदियों तो प्रोटैक्शन मनी जी, थोड़ी जेल दे अंदर भी सुरक्षा ते थोड़ा रहन सहन VIP पणा उहदे लई जी, हुण भरोसा किवें करूगा जी कोई कि सतेंद्र जैन तो पैसे तो लै लवे, पता नहीं यदि अंदर जेल से चलू के नहीं, पुलिस वाले मनण के नहीं, कल ना मिली सहूलत जी, फ्लैट बिकते हैं कंपनी कढ़ दिंदी है कि जी आ 500 फ्लैट असी बना रहे हैं, अजे नीहां भरिया होंदियां पिल्लर जे खड़े किते होंदे ने, इन्नी इन्नी कंधां जी उन्ने देखण नूं ऐ लगदा कि हत्थ मार के ना कंध डिग जावे जी, पर लोग लाइना बज्जी जांदे आ, फिर उत्थे इक सैंपल फ्लैट बणिया हुंदा जी, लोग फिर वो सैंपल फ्लैट देखते हाँ बड़ा सोहना पत्थर है चमक है वो च पूरियां लाइटां शैटां ऐ मेज़ कुर्सियां मंजा डाह डूके सारा कुछ दिखाते हैं, तो सैंपल फ्लैट दिखा के वह 500 फ्लैट बेच देंगे,
हुण सुकेश ठग दा जिहड़ा हवाला कि मैं तू 10 करोड़ लिया जां होरां ने कहा सा तो प्रोटैक्शन मनी लई जी, वह की सतेंद्र जैन ने सैंपल बैरक दिखा के बेचता जी? सतेंद्र जैन की बैरक के अंदर रोटी वाला डब्बा घरों आउंदा जी, बुरकियां मूँह च पैंदियां, नौकर लत्तां कुटदे, मालिश करदे, मसाज करदे, ब्यूटी पार्लर खुल्लिया, गर्म पानी, तत्ता पानी, ठंडा पानी सारा कुछ मिलता, फाइलां लैके अधिकारी खड़े, नौकर चाकर मिले। सो की ये उहदा सैंपल फ्लैट सी कि हाँ भाई देखो ये जी सहूलत मैनू मिलती आ उह जी तुहानू दवाऊंगा बशर्ते पैसे लगणगे जी। सो हुण इह प्रोटैक्शन मनी लैण दे मामले सतेंद्र जैन दे उत्ते CBI ने हत्थ धर लिया। ये गल्लां ये हवाला CBI दे हवाले नाल है, उन्हें FIR का हवाला दिता है, तो वह FIR का हवाला उन्होंने उप राजपाल के ध्यान च लिया के दिता। सो CBI इस मामले ते अगे वध गई है, तो ये मामला की कल्ले सतेंद्र जैन ते जाके रुक जाएगा जां इहदी भी कड़ी जाके केजरीवाल तक जुड़नी आ, क्योंकि सुकेश ठग केजरीवाल तक जाता जी, उहदा हवाला दिंदा, तो ये उहदी टीम का हिस्सा है। तो जे एक्साइज पॉलिसी शराब पॉलिसी वाले मामले च अगे तो अगे कड़ियां जुड़ सकदियां, तो की आम आदमी पार्टी लई उन्होंने लीडर केजरीवाल की टीम के लिए एक नवी मुसीबत होर खड़ी है, कि जो मामला निबड़िया नहीं एक नवा मामला खड़ा कि जेलों के अंदर कैदियों को VIP सहूलत प्रोटैक्शन देने के नाते पैसा वसूली हो रही है। ये मामला अदालत जाऊगा फिर साबित होगा। जो 10 करोड़ दिता है पूछा वो तो भी जाना कि काका 10 करोड़ आया कितों, किन किमें सी, किमें आया, किमें दिता, वह हिला विसिला दिखा, तो जिन्हें वसूलिया उन्हें कितने खपाया, किमें रख्या, वह भी हिसाब आना। सो फैसला अदालत च होना जी, पर पहले पड़ा च आम आदमी पार्टी इस नवे मामले च किरदी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, जदों महिला रैसलर दे वलों दिल्ली दे जंतर मंतर ते धरना प्रदर्शन किया जा रहा सी ब्रिज भूषण दे खिलाफ, उस समय एक मंग उठ रही सी कि ज़्यादातर जिहड़े खेड एसोसीएशन दे प्रधान हुंदे ने उह सियासत दे विचों आए हुंदे ने, सियासतदान हुंदे ने, तां उस समय यह गल उठी सी कि सियासतदानां दी जगह कोई सीनियर अधिकारी उत्थे होना चाहीदा जिहड़ा इसे फील्ड दे विचों निकलिया होवे, तां कि उहनूं पता हुंदा कि खेड खेडण जिहड़े कह दिए कि खिडारी ने उन्होंने किड़िया किड़िया मुश्किलों का सामना करना पैंदा, वो चंगी सूझबूझ रखता है। तो हुण ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब दीआं खेड एसोसीएशन दे विचों सियासत ते सियासतदान परे होणगे, इहदे विच नहीं शामिल होणगे। हुण बिल्कुल जी, पंजाब दे कैबिनेट मंत्री खेड मंत्री मीथियर होरां वल्लों इह हवाला दिता गया जी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे दिशा निर्देशों के तहत असी समुचियां पंजाब दीआं खेड एसोसीएशनां चों सियासतदानां नूं लांभे करन जा रहे हैं जी। उसकी थान पर खिडारी उन्होंने थान लेंगे, चाहे वह प्रधान का अहदा होवे एसोसीएशन, चाहे वह मैंबर का अहदा होवे, तो उन्होंने समा हद भी कहते तय होगी। असल अज की तरीक दे विच पंजाब दीआं जिहड़ियां खेड एसोसीएशन ने उन्होंने ज़्यादातर कब्जा कांग्रसी लीडर का जी, कांग्रसी धिर का, कितने कितने अकालिया का पैर धर है, या जो जिंद सरकार होंगी वह अपना दबदबा रखता तो इन राजनीतिक रूप दे लैंदा, जिन्हें कदे मैदान च पैर नहीं धरिया, जिहड़ा कदे आप खेडिया नहीं, जिन्होंने खेड के अखर नहीं पता, वह बने होंगे ने प्रधान, चेयरमैन, मंत्री, संतरी, सारे अहदे अपने रिश्तेदारां चेहतियां नूं बने होंगे ने कि गड्डियां रहन सहन मिल जाए। सो हुण इस हवाले नाल केंद्र की एक योजना है कि स्पोर्ट्स कोड लागू करो। स्पोर्ट्स कोड का मतलब है कि सियासत ते सियासतदानां नूं खेड एसोसीएशनां चों बाहर करो। वैसे आप चक्की फिरदे सी उहनूं जिहदे उत्ते इन्ने तरह के दोष ने, जिहड़ा तुसीं मतलब हाँ ब्रिज भूषण वाले मामले च वो किन्ने कतलों के मामले च, किन्ने धक्केशाइयों के मामले च, किन्ने लुट्टां खोहां के मामले च, किन्ने मामले च किरिया, उन्हें चक्की फिर रही है BJP, पर वो कहिंदे जी असीं स्पोर्ट्स कोड लागू करता। सो ये सारे सूबे नूं लागू करन कि खिडारियों के काम च खिडारी ही होण, उन्हां दा बैकग्राउंड खिडारियों का कोच का कोई होवे, ना कि सियासतदान का। सो इस नूं उत्तराखंड ने लागू करता तो पंजाब हुण इस मसले पर पहलकदमी कर जा रहा। एक तो ये पिछले सारे पार्टियां लीडर ने जिहड़े वो बाहर हो जाएंगे, ये चंगी पहलकदमी है। ये मान सरकार मीथेयर और उन्होंने टीम बधाई की पात्र है जी। हाँ वो लागू इनू इसे नियमों नाल करन कि भाई हुण खेड वाला ही बनूगा, जिवें प्रगट सिंह नूं सियासत दे लैत आए जी, पर उहदा फायदा ही नहीं चक्किया कोई, ना अकालिया ने ना कांग्रसियां ने। उस तरह हुण जेकर तुसीं ये नियम बना रहे हो तो सचमुच नैशनल ते इंटरनेशनल खिडारियों नूं मौका मिले जी। और इस नियम है कि जिहड़ा खिडारी एक सूबे का बनया होगा किसी एसोसीएशन का, वह दूसरे सूबे च नहीं बनूगा, ताकि इको थान पर काम कर सके। पर यह भी नियम रखियो कि पहल पंजाब वाले नूं दिओ कि आह गड़बड़ ना कर लियो। बेशक इस नियम है कि 3 साल यह बंदा प्रधान अहदेदार मैंबर रह सकता, चाहे वह लगातार 3 साल रह लवे, चाहे टुट के बन जाए, ताकि होरां नूं नवयां नूं मौका मिलता रहे। बस ये इको डर है कि उपराला सही है, कितने मुड़ के ना हो जिवें एडवोकेट जनरल की टीम के हरियाणे के वकील, दिल्ली के वकील, हिमाचल के वकील, अपने रिश्तेदार आप दे चेहते उन्हों की पर्चियां चलिया, उमें इतने पर्चियां ना चलन, कितने बहरलियों लिया के इतने खिडारियों सिर पर बिठा दो, ये ना हो
ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਹੂਬੂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਜਦੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਸੀ ਹੋਲੀ ਹੁਣ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SYL ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ